हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश वर्कबुक का, जो कि ग्रेड 6 to 8 के लिए है। और आइए आज हम इसको पूरी वर्कशीट हम इसकी कंप्लीट करते हैं। ग्रेड 3 to 5 तरुण समूह है ये, तो आइए हम देखते हैं इसकी फर्स्ट वर्कशीट। इसमें जो 21 वर्कशीट नंबर है, जिसमें कि 8 नंबर का जो लेसन है उसका नाम है पोलाइट एक्सप्रेशन, मतलब विनम्र अभिव्यक्तियाँ। हम जिस तरह से यदि हमें किसी से भी कोई चीज़ लेनी है या देनी है या हमें उनका आभार व्यक्त करना है, तो हम किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो इसमें बताया गया है। और वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, जिन्हें कि हम अक्सर यूज़ करते ही हैं। तो आइए देखें, हम सबसे पहले हम देखें ये नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, इस तरह से इन्होंने कहा है। फिर थैंक यू मोना, फिर यहाँ पर माँ प्लीज़। यदि हमें कोई चीज़ हम किसी से चाहिए या मम्मी से हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तब हम कैसे कहते हैं उन्हें? माँ प्लीज़ हमें ये दे दीजिए, मम्मा प्लीज़ हमें दे दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि ये जो छोटी सी गुड़िया है ये क्या कह रही है, प्लीज़ आप ये ले लीजिए। इस तरह से इसकी अभिव्यक्ति हमें दिखाई दे रही है। तो बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर ये बॉल से इसे यहाँ लगी हुई है छोटे बच्चे को, तो उन्होंने क्या कहा, आई एम सॉरी मिंटू, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह से इस बच्चे ने पोलाइटली इससे बात की। ये सामान टूट गया है, तो इन्होंने क्या कहा, आई एम सॉरी माला, मैंने तुम्हारी चीज़ को या खिलौने को तोड़ दिया। तो बच्चों, ये दिया या विनम्र अभिव्यक्तियाँ जो कि हमें दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखें जो इस वर्कशीट में कंप्लीट पज़ल को कंप्लीट करना है, और थैंक यू प्लीज़ सॉरी इन वर्ड्स को इसमें लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर थैंक यू की स्पेलिंग हमें याद है तो हम उसे लिख सकते हैं भाई। देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी के बाद एच, इसके बाद क्या है, ए के बाद एन, फिर के वाई ओ, यहाँ पर यू के लिए क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये किसकी स्पेलिंग लग रही है हमें, यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिया हुआ है वहाँ पर हमें स्पेलिंग फुलफिल करनी है। तो यहाँ हमें जो वर्ड था ये थैंक यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कौन से दो शब्द बचे हैं, तो प्लीज़ और सॉरी। तो यहाँ प्लीज़ की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, पी से, तो हमने यहाँ पर प्लीज़ की स्पेलिंग इसको कंप्लीट करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे, पी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर L, ठीक है, पी एल ई ए, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एस ई प्लीज़, और ये थैंक यू हो गया। अब क्या बचा, सॉरी का ओ, तो यहाँ वाई ओ यू से ओ आ गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, और आर हमें एक और बनाना होगा। आप इस तरह से भी आर बना सकते हैं जैसे इन्होंने बनाया है, या हम इस तरह से आर भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है उस तरह से आर बना दीजिए। यहाँ हम इसको थोड़ा और करेक्शन कर दें, ये इस तरह से आर हम बता सकते हैं। फिर ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई, और ये बहुत ही सरल है, आप इससे बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 वाले चैप्टर में है हमें एनिमल्स एंड देयर होम्स, जानवर और उनके रहने का स्थान। वर्कशीट नंबर 23 है ये। हम इसमें देखें कि वो सभी जानवरों का अलग अलग एक जगह होती है। भाई हम भी हमारे एक घर में रहते हैं, है ना, जो बर्ड्स हैं वो कहाँ रहती हैं, नेस्ट में रहती हैं। रैबिट है वो कहाँ रहता है, बरो, एक ऐसा इस तरह से ज़मीन के अंदर एक खोखला स्थान बना लेता है जिसे हम बरो कहते हैं। फिर जो डॉग है वो कहाँ रहता है, कैनल में रहता है। हॉर्स कहाँ रहता है, तो स्टेबल में रहता है। फिर काऊ कहाँ रहती है, शेड में रहती है। लायन किस में रहता है, डेन में रहता है। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। और ये हम अगर नेक्स्ट वाली वर्कशीट देखें तो यहाँ पर वर्कशीट नंबर 24, अब यहाँ रीड दिस सेंटेंस, तो आई लिव इन अ डेन, तो ये किसका चित्र है, यह है लॉयन का। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, क्या है नाम इसका, लॉयन, ठीक
ठीक है। फिर आई लिव इन अ कैनल, तो कैनल में कौन रहता है, ये कौन क्या दिख रहा है हमें, डॉग, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डॉग। फिर आई लिव इन अ स्टेबल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हॉर्स, एच ओ आर एस ई, हॉर्स। फिर आई लिव इन अ बरो, बरो में कौन रहता है सभी जानते हैं, रैबिट जो है बरो में रहता है, तो यहाँ हम लिखेंगे रैबिट। आई लिव इन अ होल, होल मतलब कि छेद, उसमें कौन रहता है, स्नेक, स्नेक हम एस एन ए के ई, स्नेक। आई लिव इन अ शेड, तो हम देखें शेड में कौन रहता है, तो काऊ कहाँ रहती है, शेड में, सी ओ डब्ल्यू। आई लिव इन अ नेस्ट, नेस्ट में कौन रहता है भाई, बर्ड्स जो हैं कहाँ रहती है, नेस्ट में रहती हैं। तो बच्चों इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं और इसे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कीजिए और इसे याद कीजिए आप, जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। अब आइए हम देखते हैं वर्कशीट नंबर फिफ्थ। अब यहाँ पर फिर से हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है ये सारा। तो अ लिव्स इन अ नेस्ट, तो कौन रहता है नेस्ट में, बर्ड, तो ये जो बर्ड है वो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। फिर डॉग लिव्स इन अ, कहाँ रहता है डॉग, कैनल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैनल। अ लिव्स इन अ शेड, तो कौन रहता है भाई, काऊ लिव्स इन अ शेड। अ लिव्स इन अ डेन, डेन में कौन रहता है, तो डेन में कौन रहता है, लायन, LION, लायन। फिर हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, STABLE, स्टेबल, ठीक है। फिर अ रैबिट लिव्स इन अ, कहाँ रहता है रैबिट, बरो में रहता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बरो। इस तरह से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। और आपको इसमें कुछ स्पेलिंग वगैरह नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।